जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको ओके आ आ, yes. okay. हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एक्चुअली टीम्स पे ना कुछ स्टूडेंट्स से ज्वाइन भी नहीं हो रही है क्लास तो इसलिए मैंने वो लिंक जो है ना उसको उस मीटिंग को लीव किया है और आज जूम पे ही हम क्लास देंगे नेक्स्ट टाइम हम ना कोई और टाइमिंग श, आ, सेट करेंगे और उस पर हम टीम्स पे मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे सब बच, बच्चे बच्चे ताकि उन्हें पता चल जाए कि कैसे ज्वाइन करना है और उसके बाद से फिर हम अपनी जो क्लास है ना वो टीम्स पे रखा करेंगे ठीक है तो आज हमने जो है ना पहले जो कल काम किया था ना उस काम को हमने थोड़ा सा रिवाइज करना है कल आपको एक मैंने कैनवा पर सिखाया था इमेज एडिट करना और सोशल मीडिया पोस्ट बनाना ठीक है तो जो सोशल मीडिया पोस्ट थी हमने दो आ, दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बनाई थी आ, एक हमने ट्विटर की बनाई थी और सेकंड हमने फेसबुक की बनाई थी लेकिन मेरे साथ आप लोगों ने ट्विटर की मुझे बनाकर दिखा दी थी एक पोस्ट और फेसबुक की जो मैंने लास्ट में सिखाई थी वो मैंने आपको ये बताया था कि विदाउट यूजिंग एनी टेम्पलेट आप लोग कैसे एक पोस्ट डिजाइन करते हो ठीक है तो आज मैं पहले ना आपको वो रिवाइज करवा देती हूँ कि कैसे टेम्पलेट्स को यूज़ किए बगैर अपनी न्यू पोस्ट बिल्कुल आ, स्टार्टिंग से ब्लैंक पेज से स्टार्ट बनाना कैसे स्टार्ट करोगे कैसे बनाओगे पूरी प्रोपरली ठीक है उसके बाद आप लोगों ने मुझे क्लास में एक अप, आ, जो है ना ब्लैंक पेज के ऊपर पोस्ट बना के दिखानी भी है और आपके आज आपको मैं अब देखें ये हमारी इस वीक की तो सेकंड क्लास है ना तो इस वीक में बाकी नेक्स्ट ईयर जो हैं वो आपके फ्री होंगे और फिर दरमियान में आपको ईद की वेकेशंस भी हैं तो मीन आपके पास काफी ज्यादा टाइम है तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी वो और सेकेंडली एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स के जब भी आप लोग का ये जो हो जो भी आप लोगों को असाइनमेंट दी जा रही है ना इन असाइनमेंट्स की ना मार्किंग होगी आपकी मैं अपने पास एक्सेल शीट में ना आपके असाइनमेंट्स की मार्क्स जो है ना सेव कर लिया करूंगी और जब लास्ट में आप लोगों का एक डिजिटल मार्केटिंग का टेस्ट होगा उस टेस्ट के बाद और एंड में आपके जो मार्क्स टेस्ट के मार्क्स और जितनी भी असाइनमेंट्स आपको दी जा रही है ना इन सब के मार्क्स जो है ना इंक्लूड करके आ, चेक किया जाएगा कि किस बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस है ठीक है आपको सर्टिफिकेट्स के लिए आपकी असाइनमेंट्स में जो है ना कम्प्लीट होना और इन असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स होना जो है ना वो ज़रूरी है तो अब आप लोगों ने सीरियसली साथ साथ ना मेरे असाइनमेंट्स जो है ना वो कम्प्लीट करनी है जब भी आपका वीक वीक का जो सेकेंड डे है ना तो उसमें फिर जो नेक्स्ट डेज होते हैं वो तो आपने तो आप तो फ्री नहीं रहना उनमें आपने असाइनमेंट्स बनानी अपनी प्रैक्टिस का जो है ना वो करते रहना है तो इसके लिए अभी फिलहाल मैं आपको सिखा रही हूँ स्क्रैच से हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट से कैसे आपने अपनी पोस्ट कैनवा में डिजाइन करनी है अच्छा जो कल हमने आ, आ, पोस्ट डिजाइन की थी ना उसमें हमने Facebook के कुछ साइजेस देखे थे एक तो मैंने आपको दिखाया था कि पोर्ट्रेट जो इमेज होता है उसका साइज क्या होता है और जो है ना लैंडस्केप इमेज का साइज क्या होता है तो पोर्ट्रेट इमेज कौन सा होता है जैसे वो इमेज जिसकी जो लेंथ है ना उसकी विट से ज्यादा होती है वो वाले इमेजेस जो है ना वो पोर्ट्रेट होते हैं ठीक है जैसे आपने देखा होगा पोर्ट्रेट्स बने जो है ना वॉल्स के ऊपर भी लोगों ने अटैच किए होते हैं तो उसमें जो लेंथ होती है ना उस पोर्ट्रेट की वो हमेशा उसकी विट से थोड़ी सी ज्यादा होती है तो जो आम तौर पे जो है ना पोर्ट्रेट साइज वो नाइनटीन ट्वेंटी बाय टेन एटी होता है ठीक है और जो लैंडस्केप साइज है वो टेन एटी बाय नाइनटीन ट्वेंटी होता है ये ये साइज ना सब कवर पिक्चर्स वगैरह में प्रोफाइल पिक्चर्स में सब में ये चल जाता है लेकिन जो अगर हमने फेसबुक की पोस्ट बनानी है ना तो आपने देखा है वो नॉर्मली ना स्क्वेयर शेप में होती है तो वो जो स्क्वेयर शेप वाली पोस्ट है ना उसके लिए बेस्ट साइज टी बाई ट्वेल्व एटी या टेन एटी बाई टेन एटी है कि मैं आपको ना बाद में लिख के जो है ना पीडीएफ में शेयर कर दूंगी ठीक है तो फिलहाल ना हम एक स्क्रैच से एक पोस्ट बनाते हैं फिर उस फेसबुक के लिए अपना कैनवा ओपन कीजिए सब बच्चे हो रही है आपको मेरी कैनवा वाली अब आप देखिए स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन शेयर हो रही है कैनवा की <coughs> ठीक है अच्छा yes, नौ। नौ। एक मिनट स्टूडेंट्स जी अब यहाँ पे देखें क्रिएटर डिजाइन है यहाँ पे हमने क्लिक किया मैंने आपको कल बताया था कि कस्टम साइज के लिए हमने क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखना ये लिखा हुआ है कस्टम साइज यहाँ से आप जाके खुद से कोई ना कोई साइज जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे ट्वेल्व एटी बाय ट्वेल्व एटी मैंने सेलेक्ट कर लिया ठीक है <coughs> अच्छा अब ना हमने यहाँ पे एक अपनी पोस्ट बनानी है विदाउ ये एक ब्लैंक पेज हमारे पास आ गया अब मैं ना यहाँ पे देखें ये साइड से टेम्पलेट्स आ रहे हैं ना यहाँ से हम पहले तो हमने एक टेम्पलेट चूज किया था और फिर उस टेम्पलेट के अंदर ही हमने मॉडिफिकेशन कुछ कर दी थी कुछ इमेजेस चेंज किए थे टेक्स्ट वगैरह चेंज किया उसके कलर्स को चेंज कर दिया था लेकिन ना अब हमने ये भी सीखना है कि अगर हमने हमें कोई टेम्पलेट फॉर एग्जांपल नहीं अच्छा लग रहा है इसमें से और हमारा अपना कोई आइडिया है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना वो खुद से अपने अच्छे से डिजाइन जो होते हैं ना वो जनरेट करते हैं अपने माइंड में न्यू डिजाइन बना लेते हैं तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने डिजाइन बना लें और फिर वो कहें कि हमने ये कैनवा पे लेके आना है हमने ये पोस्ट बनाई अपने माइंड में हमने बना लिया फिर वो उसको पे, पेपर के ऊपर ड्रॉ करें और फिर वो जो है ना उसे कैनवा के ऊपर लेके आए तो उसके लिए हमने क्या करना है कि आपने यहाँ से ना ये देखे कैनवा के जो एलिमेंट्स हैं टेक्स्ट है वो हमने यहाँ से खुद से चूज करने हैं ठीक है थीके? तो एलिमेंट्स मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही स्क्रीन शो नहीं हो रही, हो रही। वा 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 एक मिनट पहले शो हो रही थी जी लेकिन नहीं अब हो रही अच्छा एक मिनट अगेन शेयर करती हूँ आप हो रही है शो यस yes, मैम चलें ठीक है अच्छा इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने एलिमेंट्स में जाना है और यहाँ से आपने कोई भी एलिमेंट्स डिफरेंट चूज करने हैं और उनसे आपने अपना इमेज स्क्रैच से बनाना है सपोज करें कि हम ना प्लांट्स के लिए एक पोस्ट करना चाहते हैं जो रूम प्लांटिंग के ऊपर है ठीक है तो मैंने यहाँ से लिखना है प्लांट्स <coughs> अच्छा देखिए यहाँ पे ना मुझे पिक्चर चाहिए तो मैं फोटोज में जाऊंगी ठीक है तो अब यहाँ पे कुछ आ, प्रो इमेजेस हैं प्रो मींस जो पेड हैं तो मैंने आपको बताया था पेड इमेजेस की क्या निशानी है कैसे पता चलेगा क्राउन बना हुआ है ऊपर जी अब ये देखिए इन सब पे क्राउन्स आ रहे हैं ना ये सब पेड हैं तो हम ये वाले नहीं यूज करेंगे जो फ्री वाले हैं ना हम उनमें से कोई भी चूज कर लेते हैं अब ना इसमें एक आप चीज देखें ये जब मैंने अपना बनाया ना कैनवास ये है शेप में ठीक है तो अब कुछ इमेजेस इसे ना पोर्ट्रेट में आ रहे हैं और कुछ स्क्वायर में आ रहे हैं तो मुझे जो थोड़ा सा में भी फील हो अच्छा मैं वो चूज कर लेती इसमें से इस मैं लेके देखती हूँ कि इस पे आ जाएगा कि नहीं इसको ही मैं थोड़ा सा खड़ा कर रही हूँ <coughs> नहीं ये इसमें पूरा नहीं आएगा इसको मैं बैक स्पेस करके कोई और ले रही हूं

अब मैंने इस इमेज को ना बिल्कुल मिड में ले आना देखिए मैं थोड़ा सा इसे ड्रैग किया तो इसके ऊपर आपको फोर लाइंस जो टू लाइंस है ना इसके मिड में शो हो रही हैं इसका मतलब कि ये जो है ना आपके कैनवास के बिल्कुल मिड में आ चुका है मींस ठीक है तो अब हमने मिड में ले आए अब ना मुझे चाहिए इधर एक यहां पे मैं चाहती हूं कि एक बॉर्डर आ जाए थोड़ा सा ब्राउन से कलर में या ग्रीन कलर में तो हम करते हैं यहाँ सेलेम्स में जाएंगे और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्वायर लिया अब मैंने इस स्क्वेयर को ना इसके कॉर्नर पे लेके जाऊंगी और तो मुझे जितना बॉर्डर चाहिए ना मैं उतना इसका साइज कर लेती हूँ अच्छा अब मैं इस, ना ये चाहिए मैं चाहती हूँ कि ये जो ये वाला पार्ट है ना जो मेरे इमेज के ऊपर आ रहा है यहाँ से ये पार्ट पीछे चला जाए तो इसके लिए मैंने क्या करना है कल मैंने इसके लिए कोई एक आइडिया आपको बताया था याद है किसी स्टूडेंट को यस yes, मैम तो क्या करना है हम बैक बैकग्राउंड ओह बात करना तो आता है लेकिन बता लेयर्स में जाके बैकग्राउंड लेयर्स में जाकर लेयर्स में जाके इसे सेंड टू बैक करेंगे तो यहाँ से सॉरी अभी ना ये इसलिए नहीं आ रहा कि इसके मिड में ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ था मैंने सिलेक्ट किया अब देखें ये लेयर्स पे गए अब यहाँ पे मैंने जाके बताइए सेंड टू बैक करना या सेंड टू बैकवर्ड करना सेंड टू बैक देखे अगर मैं सेंट टू बैक करूंगी ना तो मेरे पास जितनी लेयर्स होंगे ना ये उन सब के एंड में जाएगा और अगर मैं सेंट टू बैकवर्ड करूंगी तो ये जस्ट वन लेयर बैक जाएगा ठीक है अभी फिलहाल यहाँ पे चाहे मैं दोनों में से कोई भी कर दूं कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा लेकिन आपने ये तब ध्यान रखना जब आपके ना मोर देन टू लेयर्स हो जाए ना ये दो या तीन लेयर हो गए फिर आप कि आपने ध्यान रखना है की आपने बिल्कुल ही एंड में लेके जाना है या उसको वन लेयर बैक ही लेके जाना है तो वन लेयर बैक ले जाने के लिए सेंट बैकवर्ड यूज करते हैं या सेंट टू बैक यूज करते हैं बताइए जल्दी से अगर मैंने वन लेयर बैक लेके जाना है तो मैं सेंट टू बैकवर्ड यूज करूंगी या सेंट टू बैक यूज करूंगी बैकवर्ड जी शाबाश ये सेंट टू बैकवर्ड किया तो ये वन लेयर बैक चला गया अब मुझे ना इसका कलर चेंज करना है तो आप जब इमेज बना रहे हो ना आप ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करके देखा करें कि मैं कौन सा वाला कलर करूं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये नहीं कि बस एक कर लिया तो बस ठीक है अच्छा मुझे ना ये बॉर्डर जो मैंने इधर लगाया ना वही ना यहाँ पे इसकी राइट साइड पे बॉटम में भी चाहिए तो मैं क्या करूंगी इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और मैं उधर पेस्ट कर दूंगी ठीक है तो अब मैंने इधर पेस्ट किया और इसको भी मैं बैक में ले जाती हूँ डेयर्स में जाके सेंड बैकवर्ड ठीक है अब मैं इसका कलर चेंज करती हूँ अब एक जो है ना एक का कलर मैं ना थोड़ा ग्रीन सा करके देख लेती हूँ एक का ब्राउन मुझे जो अच्छा लगेगा ना मैं फिर वो रख लूंगी ठीक है आप इस तरह से थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करके देखा करें ताकि आपको जो अच्छा फील हो आप वो करें अच्छा आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कैनवा है ना ये खुद ब खुद आपके डॉक्यूमेंट्स के जितने कलर है ना उनको पिक कर लेता है कुछ कलर्स को अगर उसने पिक नहीं किया ना और आपको वही कलर चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे ब्राउन कलर है इसको पिक नहीं किया हुआ ना तो आपको ब्राउन ही चाहिए तो आपने ये प्लस पे क्लिक करना है और नीचे देखिए पेंसिल आ रही है पेंसिल पे क्लिक किया अब आपके पास ये जो एक सर्कल आ रहा है ना इस सर्कल के अंदर जो डिफरेंट स्क्वेयर शो हो रहे हैं अब ये जो दरमियान वाला स्क्वेयर है ना जो थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ है वो वाला स्क्वायर के अंदर जो भी कलर आएगा ना अगर मैं उस क्लिक, जब भी क्लिक करूंगी वो वाला कलर मेरी उस एलिमेंट में आ जाएगा जिस एलिमेंट को मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था मैंने ये देखें क्लिक किया तो ये ब्राउन कलर है ना मिड में जो सिलेक्टेड मेरे पास बॉक्स है उसमें तो अब ये देखे ये कलर ब्राउन हो गया ठीक है अब ये ना थोड़ा सा मुझे लाइट करना है तो इसको लाइट करने के लिए ना ये स्लाइडर है इस स्लाइडर को अगर मैं थोड़ा सा देखिए ऊपर की तरफ जाए ना तो ये ब्राइट ब्राइट होता है अगर मैं इधर लेके आऊंगी इधर थोड़े डार्क कलर्स हैं तो मुझे इधर को थोड़ा सा करके ना मैं इसको ब्राइट कर लेती हूँ ठीक है अच्छा और मैं सेकंड वाला जो है ना इसको भी यहाँ से हमने पेंसिल पे जाना है और फर्स्ट करें मुझे चाहती थोड़ा सा ना मैं ग्रीनिश करके देखूँ कि दोनों में से कौन सा सही लगता है तो ये मैं ग्रीन वाले पे जाती हूँ अब मैं बॉक्स में ना थोड़ा ग्रीन वाला जो मुझे सही लग रहा है वो वाला कलर ले लेती हूँ अब देखें कौन सा सही लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर दू अच्छा अब ना मुझे यहां पर लिखना है रोम प्लांटिंग ठीक है तो उसके लिए मैं लेके आऊंगी यहाँ पे टेक्स्ट मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया आप आप देखें इसमें ना ना टेक्स्ट डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं एक अगर टू टू हेडिंग हेडिंग करेंगे ना, तो जैसे उन्होंने थोड़ा सा बोल्ड में लिखा और थोड़ा सा बड़े साइज में तो इस तरह से बड़ा लिखा जाएगा अगर आप इससे नीचे एडा सब टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा अः छोटे साइज में लिखा जाएगा जैसे हेडिंग से थोड़ा सा आ, छोटा साइज और अगर ये अ बॉडी वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये और ज्यादा छोटा साइज हो जाएगा और बोल्ड भी नहीं रहेगा ठीक है तो मुझे ना थोड़ा सा बोल्ड ही लिखना है और थोड़ा सा बड़ा भी लिखना है तो इसलिए मैं यहाँ पे इस पे ही क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी रूम ठीक है और इसको मैंने करना है अब कॉपी और इसको मैंने पेस्ट कर लिया अब दो आगे एक को मैं ना यहाँ पे पहले ऊपर लिखू बनाऊंगी यहाँ पे और थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्योंकि ना मेरी पिक्चर अब थोड़ी छोटी है ठीक है तो उसके लिहाज से टेक्स्ट भी थोड़ा छोटा कर देते हैं अच्छा अगर देखें पिक्चर में ना ये इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा तो मुझे इसका कलर वाइट कर देती हूँ मैं शो हो रहा है ना ठीक है अब मुझे इसमें की जगह पे लिखना है प्लांटिंग पी एल एन टी आई एन जी ठीक है और इसको मुझे करना है इसका अनबोल्ड करना साइज भी मैं थोड़ा सा कर देती हूँ छोटा साइज मैं करूंगी इसका थर्ड ट्वेंटी फोर करके तो बहुत ही छोटा हो जाएगा फोर्टी करके हाँ फोर्टी एट कर देते हैं और इसका कलर भी मैं कर देती हूं व्हाइट <laughs> अच्छा अब देखिए मुझे ना इन दोनों को इकट्ठा अलाइन करना तो मैं दोनों को शिफ्ट प्रेस करके इकट्ठा मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद ना यहां से पोजीशन में जाएंगे और मैं, ये पहले ही लेफ्ट अलाइन हुआ, हुआ हुआ है ठीक है तो ठीक अगर ना हुआ था, तो ये ये सिलेक्टेड ना होता फिर मैं लेफ्ट कर देती इसको ठीक है इसके बाद ना हमने इसके ऊपर एक लगाना है छोटा सा लोगो मैं यहां से जाऊंगी एलिमेंट्स में और यहां लिखूंगी प्लांट्स लोगो अब ना यहाँ पे देखें ग्राफिक्स में जाके आपको कुछ लोगों से होंगे इनमें से कोई भी लोगो ले लेते हैं हम मैंने इसका थोड़ा सा साइज ओल्ड प्रेस करके छोटा किया ठीक है और मैं इसका कलर भी चेंज करूंगी अभी

अच्छा स्टूडेंट्स अब ना यहाँ पे हम चाहते हैं कि ना हम यहाँ पे टू लाइंस ऐड कर दें कुछ भी तो टू लाइंस हम जो है ना इसके रूम के प्लांटिंग के बेनिफिट्स के बारे में ही ऐड करेंगे तो उसके लिए ना पहले तो आपने यहाँ से लाना है टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट यूज कर लेना है फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला साइज कर लिया इसमें मैंने लिख दिया कि रूम प्लांटिंग का एक जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके मूड को बूस्ट कर देता है मूड अच्छा कर देता है आपका बोस्ट मोड ठीक है अब मैं इसको करूंगी यहां से रोटेट थोड़ा सा ताकि ये इस डायरेक्शन में आ जाए ठीक है अब ये देखिए जब मैं रोटेट कर एंगल भी शो हो रहा है नाइन्टी डिग्री शो हो रहा है ना तो जब ये नाइन्टी डिग्री हो जाए ना इसका तो मतलब होता तो है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया वर्टिकल हो गया हुआ है ठीक है तो तब आप इसको छोड़ा करें ना इसका कलर वाइट था इसका कलर को अभी हम चेंज करते हैं ताकि यहाँ पे नजर आए हमें इसका कलर हमने करना है ब्लैक ठीक है अब मैं इसी की कॉपी लेके ना इसकी अपोजिट साइड पे लगा दूंगी और फिर टेक्स चेंज कर दूंगी इसका ठीक है यहां पे मैंने लगाई फॉर एग्जांपल इसकी कॉपी और अब, अब आप देखें कि दोनों की ना जो टेक्स मैंने लिखा हुआ दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो यहाँ पे अपोजिट आ रही है इसकी मैं इसको एक मरतबा यहां से रोटेट करके इसकी डायरेक्शन इस तरफ कर देती हूँ अब ये देखें अब जो एंगल्स शो हो रहे हैं वो एंगल देखिएगा अभी माइनस नाइंटी आया ठीक है तो या तो प्लस नाइन्टी या माइनस नाइन्टी पे आपके जो इमेज होता है ना वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है अभी इसकी डायरेक्शन डिफरेंट थी ना इसलिए ये माइनस नाइनटी आया था आया क्योंकि ये उ, जब ऊपर से नीचे की तरफ होगा तब प्लस नाइन्टी आएगा इसका एंगल और जब नीचे से ऊपर की तरफ होगा तब इसका एंगल माइनस नाइन्टी में शो हो रहा होता है अच्छा यहाँ पे मैं इसका जो टेक्स्ट है ना वो चेंज कर देती हूँ ये प्योर करते प्योरीफाई हेयर ठीक है या एयर को भी साफ कर देते हैं तो इसका एक और बेनिफिट ये हो गया इसमें ना हम एक ऐड कर सकते हैं क्यू आर कोड ठीक है तो ये इसको मैं रेज करके लिखूंगी QR अब ये देखिए डिफरेंट क्यू आर कोड्स आ रहे हैं ना ग्राफिक्स में आप सी ऑल पे क्लिक करके इसमें से जो फ्री वाला क्यू आर कोड है उस पर क्लिक कर दें कोई भी सपोज मैंने इस पे क्लिक कर दिया मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करूंगी ठीक है जी स्टूडेंट्स कितनी रह गई आपकी जिनकी हो गई है कंप्लीट वो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें ये वाली जो मेरी मीटिंग है ना ये ओवर होने वाली है तो कि मैं एक दो मिनट के बाद ना लीव करके तो आपको दोबारा से न्यू का लिंक सेंड करूंगी तब तक आपको कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में जल्दी से सेंड कर दीजिएगा ठीक है इसमें ना आप लोग स्टूडेंट्स गूगल से भी आइडिया ले सकते हैं गूगल से आप डिफरेंट आप जिस भी चीज की आपने पोस्ट बनानी है ना उससे रेलिवेंट की वर्ड लिख के गूगल पे सर्च कर लें जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल किसी ने वॉचिज सेल करनी है तो वॉच वॉचिज पोस्ट लिख ले आगे किसी ने ज्वेलरी करनी है ज्वेलरी पोस्ट लिख के सर्च कर ले तो गूगल से डिफरेंट इमेजेस निकल आएंगे ठीक है आप फिर उस तरह के इमेजेस खुद से भी क्रिएट कर सकते हो जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही आप अपने माइंड से सोचें आप तीन चार डिफरेंट इमेजेस देखें उनको देखकर कुछ मर्ज करके एक न्यू आइडिया जनरेट कर लें अपना ठीक है चले मैं ये मीटिंग लीव करने लगी हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग का लिंक सेंड करती हूँ तब तक मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी सेव कर लूँ ठीक है जी स्टूडेंट्स बस आ, टू मिनट्स वेट कर लें बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें तो मैं स्टार्ट करती हूँ जी अब्दुल्लाद आपकी देखी है पोस्ट आपने बहुत अच्छी बनाई है माशाल्लाह अच्छा डिजाइन किया है, और गुड एफर्ट है ट्राफिक इस तरह से ये और अच्छा मेहनत करते रहे तो आके आपके और ज्यादा अच्छे इमेजेस भी क्रिएट हों जितने अच्छे आप इमेजेस क्रिएट करेंगे उतने ज्यादा आप डिजिटल मार्केटिंग में कामयाब होंगे क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना इसके अंदर जो जब हम एड्स जो जनरेट करें या फिर अगर हम फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे किसी भी चीज पे अपना काम कर रहे हैं ना तो उस पर जो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट है ना वो हमारे इमेजेस का होता है ठीक है जितने अच्छे आप इमेजेस इमेजेस जनरेट करके लगाएंगे उतना लोग अट्रैक्ट होंगे आपके फेसबुक पेज जो है वो फॉलो भी करेंगे उस पर कमेंट्स वगैरह भी करेंगे और अगर आप एड रन कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो सैड के ऊपर भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा जितने अच्छे आप इमेजेस एड्स में यूज करें उतने ज्यादा लोग उस एड को जो है ना देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं उसके अगर आपने जो सेल्स के एड चलाई रन कर रहे हैं तो सेल्स ज्यादा आती है ठीक है जो भी जिस पर्पज के लिए भी आपने ऐड रन की हुई है ना वो पर्पज फुलफिल तभी होता है जब आपने अच्छे इमेजेस जनरेट किए हो ठीक है तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे इमेजेस का जनरेट किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है wow. जी मैं आप लोगों को स्टूडेंट दिखाती हूँ कि अब्दुल अहद ने ना आम मुझे अपना इमेज सेंड कर दिया है व्हाट्सएप पे बना के और उन्होंने अच्छी एफर्ट की है और बाकी बच्चों का इमेज अभी तक नहीं बना क्या ये अच्छा इमेज है नाइस है कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे यूज किया मैं इन्होंने और नीट एंड क्लीन है अच्छा लग रहा है माशाल्लाह वेरी गुड एफर्ट अच्छा इसके बाद माहीन ने शेयर किया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक मिनट रुकिएगा जी ये माहीन ने किया है माहिंग इमेज आपका अच्छा अच्छा है आपने अच्छे सेलेक्ट किया है लेकिन ना ये जो आपका जो मिड में जो आ रहा है ना आ, टेक्स्ट बिग सेल गेट अप ऑफ तो ये जो बिग सेल है ना ये इतना नहीं हो रहा ठीक है इसके लिए आप कुछ इसको कलर चेंज करें या फिर इसको थोड़ा सा नीचे ले क्योंकि ये बिल्कुल फ्लावर्स के ऊपर आ रहा है हैंगिंग प्लांट्स ठीक है और ना कोई लोगो भी जो है ना ऐसा चूज करें जो इस ऊपर थोड़ा सा अच्छा लगे मतलब उसका कलर कम्बिनेशन अच्छी आहिस्ता करके ना ये चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ते पता चलता है स्टार्टिंग में फर्स्ट नहीं इंसान को इतना समझ आता ओके मैंने आपको जैसे बताया की जो असाइनमेंट्स है ना इसके भी एंड में मार्क्स आप लोगों के इंक्लूड होंगे और ये साथ साथ आप लोग काम करें ताकि आप असाइनमेंट्स भी इजीली बना सकें अच्छा अब्दुल्ला ने एक क्वेश्चन किया था कि यह भी मेरे से व्हाट्सएप पे उन्होंने ग्रुप में सेंड किया था कि अगर मैं कोई सर्कल के अंदर कोई पिक्चर लेकर आनी है ना तो वो सर्कल के अंदर नहीं जा रही वो ऊपर ही रह रही है तो उसके लिए मैंने आपको ना एक पहले भी बताया था जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ना यहाँ पे मैं एक खाली डॉक्यूमेंट ही ओपन कर रही हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस इसपे मैं आपको बता देती हूँ ठीक है अच्छा ये देखिए स्टूडेंट्स एलिमेंट्स में जाइए यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन करें इसमें फ्रेम्स होंगे ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कोई पिक्चर ना किसी स्पेसिफिक शेप में लाना चाहते हैं ना तो हमसे उस शेप का फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं फिर उसके अंदर आ जाती है पिक्चर वैसे आप सिंपल अगर जो है ना एलिमेंट्स में सर्कल ड्रॉ कर लें या रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें उसके अंदर कभी भी पिक्चर नहीं जाएगी जब जिस शेप का के अंदर आपने पिक्चर लेकर जानी है उस शेप का फ्रेम आपको लाना पड़ेगा अगर आपने सर्कल में लानी है तो यहाँ से आप सर्कल वाला फ्रेम सेलेक्ट कर लें ठीक है अब ये फ्रेम आपका यहाँ आ गया अब इसके अंदर कोई भी यहाँ से अपलोड में जाके कोई पिक्चर अपलोड कर दें फिलहाल जो मेरी अपलोड हुई है मैं उनमें से कोई भी आपको ला दिखा देती हूँ ठीक है देखे आ गई ना सर्कल के अंदर तो जस्ट आपने फ्रेम करना है सिलेक्ट जिस शेप में आपने करना है ना उस शेप का आप फ्रेम सेलेक्ट करें और उसके अंदर आ जाएगी फिर पिक्चर आपकी ठीक है चले अब मैं आगे आपको करवाती हूँ इसके बाद ना पोस्ट डिजाइन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है इमेज को कंप्रेस करना का, करना सीखना है हमने ठीक है तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इमेज कंप्रेशन होता क्या है जो इमेज कंप्रेस करने का मतलब उसका साइज को थोड़ा सा छोटा करना ठीक है तो इसमें हमें जरूरत क्यों पड़ती है हमने साइज छोटा करना क्यों आखिर समटाइम्स आप ना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा रहे होते हैं कोई एप्लीकेशन आपने देनी होती है ऑनलाइन या फिर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना तो उसमें वो आपसे आपके ऑनलाइन जो है ना मांगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक की वो पिक्चर मांग लेते हैं या फिर आपकी अपनी पिक्चर जो है पिक्चर अपलोड करनी होती है अपने रिजल्ट कार्ड्स की अपने जो है न पिक्चर्स अपलोड करनी होती है तो उसमें ना उन्होंने कुछ रखी होती है वो इसी में हो इससे में, आप नहीं मतलब होगा हो अब अगर आपने जो पिक्चर ली हुई है ना अपनी या अपने आईडी कार्ड की वो उसका साइज उतने के बीज से ज्यादा है तो आप अपलोड कैसे करोगे उसको अपलोड करने के लिए आपको पहले कंप्रेस करना पड़ेगा उसे ठीक है कंप्रेस करने के लिए आपने क्या करना है न्यू टैब में जा, जाए गूगल पे यहाँ पे आप लिखे ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर ठीक है ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर और यहां से ना ये साइट्स आ रही हैं इनमें से आप कोई भी साइट है इमेज कंप्रेसर की वो वाली ओपन कर लें और इस साइट पे ना अपना जो इमेज है वो अपलोड कर दें तो वो यहाँ से कंप्रेस हो जाएगा अब मैं यहाँ से उन्होंने कहा है या तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करें यहाँ से या फिर आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें ठीक है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आप यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करें और तो फोल्डर का मैंने छोटा किया ताकि मैं इमेज को ड्रैग कर सकूँ ठीक है अब मैंने सपोज इस इसका साइज छोटा करना मैंने इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया ठीक है अभी ये अब लोड हो रहा है जैसे ये लोड होगा उसके बाद ये शो करेगा कितना कंप्रेस किया और फिर पता चलेगा साइज कितना हो गया ठीक है अब ये देखिए उन्होंने लिखा है कि ओरिजिनल साइज अलेवन पॉइंट सेवन सिक्स के था ठीक है तो कंप्रेस करने के बाद साइज आ गया नाइन पॉइंट फोर टू किलो ठीक है तो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ये इन्होंने कंप्रेस कितना किया है यहाँ पे उन्होंने लिखा है नाइनटीन इसको कंप्रेस कर दिया हुआ उन्होंने ठीक है अगर तो यहाँ से आपने फाइल का साइज और कम करना है ना तो आप यहाँ से इसको करेंगे बैक पे स्लाइड करें अब ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी और फिर इसका साइज और ज्यादा छोटा हो जाएगा यानी और ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी अभी ये देखें नाइन किलो बैट पे चला गया ठीक है और छोटा करना है तो और ज्यादा इसको आप स्लाइड करके बैक कर दें तो ये थोड़ा सा और छोटा कर देगा देखिए हम नाइन किलो बैट से एट पॉइंट सेवन सेवन किलो बैट पे हो गया साइज ठीक है तो यहाँ से आप अपने साइज को जितना भी रिक्वायरमेंट है ना आपके डॉक्यूमेंट्स की उस लिहाज से आप उसको छोटा कर सकते हैं अब आप ही कोई भी इमेज सेलेक्ट अच्छा डाउनलोड आपने कहाँ से करना है ये देखें इमेज के नीचे यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन शो हो रही है यहाँ पे आप क्लिक करें डाउनलोड कर लें ठीक है ये मेरा डाउनलोड हो गया ये यहाँ से ओपन भी हो जाएगा डबल क्लिक करके ठीक है तो आपने क्या करना है कोई भी मिसलेक्ट करें अपना उस अपना नहीं अच्छा है गूगल से ले लें ठीक है उस इमेज को इस ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर में डालें और उसको कंप्रेस करके उसका साइज मुझे बताइए कितना कंप्रेस किया आपने ठीक है जल्दी से करें ये जो फर्स्ट वाली साइट है ना स्टूडेंट्स ये थोड़ी स्लो है इसलिए इस पे आप ना जाएं इससे आगे वाली साइट्स पे चले जाएं ये कल, कल मैंने ट्राई किया था जो फर्स्ट साइट साइड थी वो बहुत स्लोली वर्क कर रही थी इसलिए मैंने फिर नीचे वाले ट्राई कर लिया था जल्दी से करे मैं फिर आपको आगे काम करवाऊ का थर्टी परसेंट हो गया कंप्रेस बाकी बच्चे भी जल्दी से बताएं बहुत स्लो काम करते हैं आगे भी काम करना है जल्दी जल्दी करें थ्री ट्वेंटी एट हो फोर ओ क्लॉक तक हमारी क्लास है ठीक है जल्दी से करें hmm. गुड और इसमें टैक्स भी प्रोमिनेंट हो रहा है ये वाला ठीक बेहतर है पहले से और आपका लोगो भी जो है ना वो मैच हो रहा है कलर तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है शाबाश अच्छी एफर्ट है और मानूर आपने इमेज कंप्रेस किया है वो भी बताइए जल्दी से जी राबिया का थर्टी सिक्स परसेंट राबिया ने कर लिया कंप्रेस और महानूर बताइएगा आपका हो गया कंप्रेस जल्दी करें बेटा जी महानूर ने थर्टी एट परसेंट कर लिया कंप्रेस ठीक है आ, अब ना मेनली जो हम ना कितने परसेंट कंप्रेस करना है वो डिपेंड करता है कि हमें जितना साइज चाहिए ना मैंने आपको बताया ना कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने तो कही हुई है ना कि इतने किलोबैर्ट्स में हमें, हमें चाहिए ही अपलोड होंगे तो आपने उतना ही उत, उ, आ, रखना है उतने परसेंट मतलब उतना आप उसको कम करके देख लें कि आप कंप्रेस और ज्यादा करके देखें कि वो होता है या नहीं मतलब कितना हो जाए करना पड़ेगा आपको उस लिहाज से आपको ये देखना होगा वेरी नाइस अच्छी बनाई है माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है हो रही है यहां से मैं एक न्यू पे जाती हूँ और मैं यहाँ लिखूंगी रिमूव डॉट बीजी ठीक है बीजी मीन्स बैकग्राउंड ठीक है तो इसके पर आप कोई भी अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे ना तो ये उसका जो बैकग्राउंड है ना खुद से ही रिमूव कर देगा आपको तो यहाँ पे इन्होंने अपलोड इमेज की ऑप्शन दी है या तो आप यहाँ पे अपलोड कर दें या फिर आप यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दें ठीक है दोनों में से कोई भी काम करेंगे आपको इमेज का बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव करके वाइट इमेज बैकग्राउंड शो कर देगा अच्छा ये जो वेबसाइट्स है ना ये सारी की सारी मैं पीडीएफ में आपको शेयर कर पूरा पीडीएफ जो है ना आज के लेक्चर का शेयर कर दूंगी इनशाला उसमें सारी वेबसाइट्स वगैरह वेब वे और ये जो साइजेस हैं पोस्ट के जो हमने मैंने आपको बताया है ना वो वाले भी सारे मैं इनशाला आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में तो आपने परेशानी होना वैसे भी आप साथ अपने नोटबुक और पेन वगैरह रख लिया करें साथ साथ नोट भी करते रहा करें क्योंकि जो चीज़ हम एक बार तो पेन से लिख लेते हैं ना वो हमारी हमें मेमोराइज हो जाती है वो हमें जल्दी भूलती भी नहीं है तो एक मतलब खुद भी लिखा करें जरूर ये नहीं सोचा करें कि मैंने आपको शेयर कर देना है तो आप नहीं लिखेंगे ये नेट की स्पीड बहुत स्लो आ रही है मेरी इसलिए अभी तक लोड नहीं हो रहा ये से करके लोड हो जाता है क्लोज करती हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए ठीक है इसको एक मतलब रीलोड कर लेती हूँ ये दोबारा से मैं जिसके ऊपर कर देती हूँ अपलोड ये देखिए इसका बैकग्राउंड इसने बिल्कुल वाइट कर दिया अब मैं ये डाउनलोड पे क्लिक करूंगी ठीक है अब ये डाउनलोड हो गया मैं आपको ये डाउनलोड करके शो कर दिखा देती हूँ ओपन तो करके कि ये क्या वाइट बैकग्राउंड में हो गया हमारा सेव एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स मैं शेयर करती हूँ आपको जो मैंने अभी सेव किया वो ओके okay. ये देखें ये जो मैंने अभी शेयर किया ना ये आ, सेव मतलब जो मैंने अभी डाउनलोड किया वो वाला इमेज है अब ना इसका ये जो बैकग्राउंड है ना ये बिल्कुल रिमूव हो चुका हुआ है और ये जो ब्लैक पीछे शो हो रहा है ना ये ये असल में ये स्क्रीन का कलर शो हो रहा है ठीक है मतलब वो बैकग्राउंड तो वाइट ही था लेकिन ये स्क्रीन का कलर शो हो रहा है मतलब बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है इसके बैकग्राउंड व्हाइट भी नहीं है बल्कि कुछ है ही नहीं बैकग्राउंड में तब आप किसी भी जगह पे इस इमेज को यूज करेंगे तो जस्ट इसकी ये बाउंड्रीज तक इमेज आपको शो होगा जहां पे ये मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ना एरो को यहाँ पे ये यह हिस्सा शो होगा साइड्स में ना साइड से ना व्हाइट कलर आएगा ना ही ब्लैक कलर आएगा बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका हुआ है ठीक है जैसे मैं आपको ये करके भी दिखा देती हूँ कैनवा पे लाके के व्हाइट वाले बैकग्राउंड के ऊपर ताकि आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आएगा क्या जब हम इसे यूज करेंगे तो अच्छा देखिए मैं यहाँ पे ना एक मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर रही एक मैंने कोई भी ऑटो साइज में ले लिया डॉक्यूमेंट हम्म डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली पोस्टर चाहिए यहां से मैं कस्टम साइज में ही ले लेती हूँ अपना एक कैनवास ठीक है जी इसपे भी हो जाएगा मूव कैनवा पे अच्छा यहां पे ये देखें आपको ना मैं इसके बैकग्राउंड पे ना कोई और कलर का इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको ये पता चल बैकग्राउंड से कोई कलर नहीं आ रहा ये अगर मैं पिंक कर देती हूँ यहाँ पे अपलोड करती हूँ इमेज को मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही स्क्रीन शो नहीं हो रही एक मिनट रुकिएगा पहले मुझे बताते ना आप आप देखें हो रही है yes, फौरन बता दिया करें जब शो नहीं हो रही मैं खा मादा करवा देती हूँ फिर बताते हैं अच्छा अब यहां से मैं अपलोड करूंगी कोई भी वो जो इमेज मैंने अभी डाउनलोड किया था ना रिमूव डॉट बीजी से आप देखें। अब ये इमेज जो है ना इसके ऊपर आ गया अब मैं अगर इसका बैकग्राउंड का कलर को कुछ भी कर देती हूँ ना देखें वो अब पता चल रहा है ना कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है कुछ भी नहीं है इसके बैकग्राउंड में ठीक है बैकग्राउंड रिमूवर रिमूव करने का मतलब ये नहीं होता कि बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा उसका मतलब बैकग्राउंड में से सब कुछ खत्म हो जाएगा ठीक है अच्छा अब हमारे जो थर्ड टॉपिक है ना थर्ड uh, जो मतलब इमेजेस के बारे में लास्ट हमारी चीज रहेगी वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन ठीक है इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि आपका जो इमेज है ना जी बैकग्राउंड जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो गया मतलब कुछ भी नहीं है इसके बैकग्राउंड बैकग्राउंड में अच्छा इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि आप अपने इमेज को ना उसका टाइटल वगैरह टाइटल उसका सब्जेक्ट उसकी जो डाटा है ना प्रॉपर्टीज वगैरह वो ऐसी सेट करें कि जब आप उसको अपनी किसी भी जगह पे यूज़ करें ना उस इमेज को फेसबुक फेसबुक पोस्ट में यूज़ करें या यूट्यूब पे यूज़ करें करें या फिर उसको इंस्टाग्राम पे यूज़ करें तो वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो हो जाए ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो करने के लिए ना हम कुछ ऐसे ऐसे की यूज करते हैं जो लोग इस टाइम ज्यादा उस चीज के बारे में सर्च कर रहे हो ठीक है वो हमें कैसे पता चलेंगे कि हम कौन से की यूज करेंगे जो से लोग इस टाइम ज्यादा यूज कर रहे हैं वो मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगी वहां से हमने वो सर्च सर्च कर लेने की वर्ड्स ठीक है तो वो वाले की जो है ना हम यूज करेंगे इसके टैग्स में प्रॉपर्टीज के जो अपने इमेज की प्रॉपर्टीज है उसके तो मैं पहले आपको एक इमेज दिखाती हूँ ठीक है उस इमेज की हम करते हैं चेंज प्रॉपर्टीज इसलिए उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ठीक है तो मैं शेयर करती हूँ आपसे इमेज एक मिनट रुकिएगा बेटा सब लोग को आप ये जस्ट मिनट मुझे पहले इमेज ओपन कर लेना था मैं ना इंटायर स्क्रीन जी स्टूडेंट सब आपको ये मेरे डाउनलोड्स वाली स्क्रीन शो हो रही है यस yes, मैम अच्छा अब इस पे ये जो इमेजेस है ना अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ना इसकी प्रॉपर्टीज में जा रही हूँ ये देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से मैं इसकी डिटेल्स में गई ठीक है इसके तो वैसे मैंने कर दिया मैं चेंज जिसको मैं ऑप्टिमाइज कर चुकी हूँ मैं कोई और इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ ठीक है फिर मैं उसके आपको करके दिखा देती हूँ एक्चुअली इसको मैं ऑप्टिमाइज करती हुआ था इसलिए मुझे ये नहीं अब चाहिए मैं करती हूँ कोई और ज्वेलरी का इमेज ठीक है अच्छा यहाँ से मैं कोई और अच्छा लेती हूँ तो मैंने सेव करना सेव इमेज है लेकिन ये सेव होने वाला फॉर्मेट नहीं है इसका जेपीजी में अगर सेव होगा इमेज तो फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं ठीक है देखें, ये जेपी में आ रहा है ये जेपी में जो इमेज सेव होगा ना उसकी हम इजिली प्रॉपर्टीज वो चेंज कर सकते हैं तो मैं इसको कर रही हूँ अब देखें ये डाउनलोड्स को मैं रीलोड करूंगी दोबारा डाउनलोड पे क्लिक करके ठीक है थिंक वो ही इमेज दोबारा नो डाउनलोड कहाँ पे हुआ है मैम डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था जो मैंने अभी किया वो एक ना मैंने यहाँ शो इन फोल्डर पे क्लिक किया जी जी ठीक है अच्छा अब इस पे ना राइट क्लिक करेंगे और अब इसकी प्रॉपर्टीज हम चेंज करके इसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे ठीक है अच्छा टाइटल में ना हमने वो ही टाइटल लिखना होता है जो मेनली जब आप जहाँ पे भी हमने पोस्ट लगानी है ना वहां पे आप इस पोस्ट का जो भी टाइटल रखे ना आपने वो ही टाइटल इसके इमेज के यहाँ प्रॉपर्टीज में भी लिखना होता है ठीक है सपोज करें कि मैंने वहां पे इसका टाइटल लिख, लिखूंगी यूनिक एंड ब्यूटिफुल फ्लावर्स ज्वेलरी ठीक है अब मैंने ये टाइटल लिख दिया अच्छा सब्जेक्ट में ना हमने ये लिखना है कि हमने जिस जगह पे इसको अपलोड करना है ना मतलब जो भी चीज है ये फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है ये थंबनेल है आ, या फिर ये आपकी ब्लॉग पोस्ट है या आपकी फीचर पोस्ट है जो भी चीज है ना आपने यहाँ पे वो लिखते हैं लिख देना ठीक है लिखते तो अगर तो ये आपकी पोस्ट है तो आपने यहाँ पे जस्ट पोस्ट लिखना है ठीक है अगर आप कोई थमने ला किसी YouTube वीडियो का तो आपने थमने लिख देना ठीक है और रेटिंग में आपने ना फाइव स्टार रेटिंग को सिलेक्ट कर लेना और टैग्स में ना फाइव स्टार ठीक है अब टैग्स में हमने टैग्स में ना सबसे पहले तो आपने अपना टाइटल पूरा का पूरा लिखना होता है ठीक है या तो आप टाइटल पूरा लिखते हैं या उस टाइटल को ना ब्रेक करके दो तीन एक दो पार्ट्स में अलग अलग करके लिखते हैं तो आप पहले तो मैं यहाँ से अपना टाइटल कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल सी से ठीक है अब मैं यहाँ पे टैग्स में आऊंगी और कंट्रोल बी से मैंने उसको पेस कर दिया अब देखें ये जब मैं त, मैंने टाइटल लिखा है इसके आगे एक सेमी शो हो रहा है ये कोलन आपने रेज नहीं करना है इसका मतलब कि जो टैग्स आएंगे ना हर एक टैग जो हो, हो, होगा वो सेमी से सेपरेट होगा ठीक है तो आपने उसको सेपरेट ही करना सेपरेट करना है सेमी कोलन से, 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 को खुद से रेज नहीं करना ठीक है उसके बाद अब ये टैग्स बाकी के जो है ना वो कहाँ से हमने सर्च आउट करने टैग में फर्स्ट चीज का टाइटल आता है हमेशा ठीक है ये याद रखिएगा टाइटल में टैग्स में टाइटल जरूर आपने लिखना है ठीक है उसके बाद ना हमने टोटल फाइव टैग्स डालने होते हैं फाइव से ज्यादा नहीं डालने ठीक है फोर या फाइव इससे ज्यादा आपने टैग्स नहीं डालने अच्छा बाकी के टैग्स हमने सर्च कहा से करने हैं अच्छा आप एक न्यू टैब में जाएंगे ये मैं एक्स्ट्रा जो है ना वो क्लोज कर रही हूँ यहाँ पे आपने लिखना है एच डॉट बी डी आई आर डॉट इन ठीक है ये लिख के सर्च करें ये देखें ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है ना एच डॉट बी डी आई आर डॉट इन इसके ऊपर लिखा है मोस्ट पॉपुलर हैश 2024 टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ठीक है अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी ना तो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैशटैग्स हैं हैशटैग्स एक्चुअली ना जब हम कोई भी फेसबुक पे वीडियो भी अपलोड कर रहे होते हैं उसमें हमने देखा होगा लोगों ने हैशटैग्स डाले होते हैं वो वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जिनसे लोग ज्यादातर आजकल सर्च कर रहे होते हैं ठीक है कुछ भी तो अगर तो हम वो वाले कीवर्ड यूज करें ना अपनी हैश में जो कि लोग सर्च कर रहे हैं तो फिर जब वो लोग सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में हमारी चीज हमारी पोस्ट या हमारे इमेजेस भी शो होते हैं ठीक है जिसमें हमने हैश यूज किए हुए हैं तो हमने यहाँ से करने हैं सर्च अपना हैशटैग ठीक है और यहाँ पे इन्होंने सर्च करने के लिए ना यहाँ पे हमने कीवर्ड एंटर करना है कोई भी पर जिस चीज के बारे में आप हैशटैग सर्च करें ना उस चीज के बारे में कीवर्ड आपने एंटर करना है अगर आप टी शर्ट्स के बारे में करें टी शर्ट्स लिखते हैं ज्वेलरी के बारे में करें ज्वेलरी लिखते हैं ठीक है अब मैं ज्वेलरी के बारे में करी थी और फिर मैंने सर्च सर्च हैश पे क्लिक कर दिया अब ये देखें इसके नीचे ना नीचे जाए टॉप टेन ज्वेलरी शो हो रहे हैं यानी जो सबसे ज्यादा इस टाइम लोग सर्च कर रहे हैं यानी लोग एक ज्वेलरी का कीवर्ड सर्च कर रहे हैं इसके अलावा फैशन का और हैंडमेड इसके आगे कुछ भी हो सकता है ज्वेलरी हो सकता है हैंडमेड वो इिंग्स या हैंडमेड ब्रेसलेट्स इस तरह से ना मतलब ये वाले कीवर्ड लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं तो हम इनमें से चार अच्छे जो है ना कीवर्ड्स वो हम हैश वो डाल लेंगे अपने उस टैक्स में ठीक है एक तो ये है टेन बेस्ट हैश टैग इसके अलावा ना ये देखें ऊपर भी शोर है इनमें से भी आप डाल सकते हो तो हमने ये नहीं करना कि सारे बस नीचे से ले लें कुछ तो एक दो नीचे से ले लें एक दो ऊपर ऊपर से ले लें ठीक है इस तरह से कर लेते हैं तो एक तो ज्वेलरी का हैश हम डालेंगे ही क्योंकि वो मोस्ट रेलिवेंट है इसके अलावा हम एक फैशन का डाल लेते हैं यहाँ से बाकी हम एक दो ऊपर से सर्च कर लेते हैं ठीक है थीके? आई थिंक हैंड ज्वेलरी का मैं डाल देती हूँ एक मिनट पहले तो हम ज्वेलरी और फैशन जो हमने सर, कर लिया है ना पहले सिलेक्ट वो कर लेते हैं यहाँ पे ज्वेलरी इसके बाद मैं डालूंगी फैशन ठीक है और बाकी अभी हम देखते हैं इसमें से हमें और कौन सा सही लग रहा था एक हैंडमेड ये अगर तो आपकी हैंडमेड है ना ज्वेलरी तो ही डालें अदरवाइज नहीं ठीक है जो चीज है उसकी ओरिजिनल आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है ये नहीं कि वो बस आप ऑर्डर लेने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए वो चीज लिख रहे हैं ठीक है अच्छा एक हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर देते हैं कि जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सर्च कर उन्हें भी हमारी पोस्ट शो हो जाएगी ठीक है तो अब हमारे ये सारे हो गए लास्ट में जो है ना हमने बस पांच ही करने थे तो ये नहीं कमेंट देना है नाइस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल इस तरह से ना कुछ भी तो मैं क्या एक्सेप्शनल लिख देती हूँ स्क्रीन शो हो रही है ना स्टूडेंट्स आपको ये मेरी प्रॉपर्टीज वाली यस yes, मैम जी ठीक है अब ये ऑथर्स में ना आपने लिखना है वो जगह जहाँ पे कि जो ये आपका इमेज पब्लिश करेगी यानी ऑथर आपने अपना नाम नहीं लिख देना कि मैं ऑथर हूँ इस पोस्ट का ठीक है जिस चीज मतलब जिस स्पेस जगह से आप लोग अपना इमेज पब्लिश कर रहे हो ना उस जगह का नाम लिखना अगर आप फेसबुक से कर रहे हो फेसबुक लिख दो ट्विटर से कर रहे हो ट्विटर लिख दो जिस भी जगह से आप कर रहे हो ना तो आपने उसका नेम लिखना है अगर यूट्यूब के लाया तो यूट्यूब लिख दो ठीक है तो यहाँ पे फिलहाल तो हमने फेसबुक करना है ना तो मैं फेसबुक लिख देती हूँ ठीक उसके बाद ये डेट टेकन वगैरह ये सारी चीजें हमें नहीं रिक्वायर्ड हमने नहीं लिखना इनको ऑप्टिमाइजेशन से ताल्लुक नहीं है हमारी कॉपी में हमने बस लिख देना है रिजर्व रिजर्व इस के इसके कॉपीराइट के राइट्स हमारे पास हैं इसको कोई और नहीं यूज करेगा ठीक है अच्छा इसके बाद बाकी जो है ना चीजें उनको आपने छोड़ देना बस जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी अच्छा जो टाइटल में आपने चूज किया देखें वो खुद ही टाइटल वाला ही आना चाहिए ठीक है यहाँ पे भी टाइटल वाला कर देते हैं हम ये वाला कॉपी करें और यहाँ से ना आई थिंक ये मॉडिफाई नहीं हो सकता ये नेम वो या है जिससे ये इमेज सेव हुआ हुआ है तो ये जो मॉडिफाई हो सकते थे हमने जस्ट उनको ही ऑप्टीमाइज करना था ठीक है ये नहीं मॉडिफाई हो सकते ये बस उसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, तो बस अब आपने ओके okay कर देना और इस इमेज को सेव कर लेना है थीके? अब ये इमेज आपको ऑप्टिमाइज हो गया मीन्स अगर अब आप इसको कहीं पे भी अपलोड करोगे ना तो ये सर्च रिजल्ट में ज्यादा शो होगा जो लोग इन हैश इन टैग्स के थ्रू मतलब इन वर्ड्स के थ्रू सर्च करें उनको भी आपका ये इमेज शो होगा ठीक है इसे कहते हो इमेज ऑप्टिमाइजेशन अब आप लोग ऐसा करें ये मीटिंग तो ओवर होने वाली है तो मैं इसको बंद करूंगी उतनी देर आप एक, एक, एक इमेज जो है ना कोई भी डाउनलोड कर लें अपनी निश से, अब मतलब अपनी की जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड ठीक है उस इमेज की फिर आप प्रॉपर्टीज को ना चेंज करें ऑप्टिमाइज करें उस इमेज को फिर आपने आप लोगों के ना एक स्क्रीन लेना है अगर तो आपके पास स्क्रीन की ऐप है ना लैपटॉप में तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करें या फिर स्क्रीनशॉट नहीं दे सकते तो आप मोबाइल से की पिक्चर ना थोड़ी क्लियर पिक्चर लीजिएगा फिर वो मुझे व्हाट्सएप करें ठीक है जल्दी से ये काम करें अपने अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करें जी जी मैम हम तो फोन पे ले रहे हैं ना क्लास वगेरा अच्छा तो. मोबाइल पे ले रहे हैं तो आप फिर कैनवा पे काम कैसे कर रहे हैं कैनवा पे साथ साथ कैनवा लैपटॉप पे करे नो मैम इसी के ऊपर वो भी मोबाइल पे मोबाइल ऐप पे आता है कैनवा अच्छा, वहां से कर रहे हैं ठीक है जी तो मतलब अब आप, आप ये साथ-साथ नहीं कर सकते अच्छा चल ठीक है अभी लैपटॉप इस टाइम आपके पास है नहीं मैम है लेकिन चार्जिंग वगैरह करने वाला है मैंने खोला तो जब क्लास स्टार्ट होनी हो ना उससे पहले आप चार्ज करके रखा करें क्योंकि मैंने जब भी जो भी काम हमने करवाना होता है ना हमने उसको साथ साथ प्रैक्टिस भी करवानी होती है ऐसे अगर हम आगे करवाते जाएंगे ना पिछले बार हम की प्रैक्टिस नहीं हमने करवाई ना तो कोई फायदा नहीं है फिर आगे जाने का चाहे हम थोड़ा करें लेकिन साथ साथ उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी होती है फिर हमने नेक्स्ट जाना होता है तो अब कल से आप लोग अपना चार्ज करके रखिएगा वैसे ये मीटिंग में लीव करने लगी हूँ क्योंकि इसके सिर्फ थ्री मिनट्स रह गए हैं तो इसके बाद मैं जब तक आपको नेक्स्ट लिंक सेंड करती हूँ ना तो पाँच दस मिनट तो लग जाते हैं उसमें तो तब तक आप लोग थोड़ा लैपटॉप चार्ज करें अगर ट्राई करें अगर हो जाता है तो करके ना मुझे ऑप्टिमाइज तो सेंड करें अदरवाइज ना क्लास के बाद आप मुझे कल तक सेंड कर दीजिएगा या फिर अभी आपके पास एक दो दिन एक दो दिन के दिन बल्कि एक दो दिन ही मैं दूंगी क्योंकि तब तक

नर्स का है वो जस मैंने आपको समझाना है फेसबुक मार्केटिंग हमारी स्टार्ट होनी है तो मैंने उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है कि वो कैसे हम करेंगे ठीक है तो प्रैक्टिकली जो फेसबुक मार्केटिंग है ना वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से ही करेंगे तो उसके तब फिलहाल ना जस्ट मुझे आपको कुछ चीजें समझानी है कि क्या होती है फेसबुक प्रोफाइल पेज और शॉप में क्या डिफरेंस है इस तरह की चीजें ना वो जस्ट थोरेटिकली आपको फिलहाल मैं बताऊंगी इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ईद के बाद तो तब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली फेसबुक मार्केटिंग जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो अब मैं मीटिंग ली okay. अच्छा स्टूडेंट्स uh, आपको ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है जिसमें ये प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं यस मैम ये अब्दुल ने अपनी इमेज uh, की ऑप्टिमाइजेशन के बाद प्रॉपर्टीज सेंड की हैं तो अब्दुल्लाहद ये देखें आपने जो टाइटल है ना ये बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है असल में जो ये टाइटल होता है ना ये भी हमारी ऑप्टिमाइजेशन में ना बहुत अहम काम कर रहा होता है जो टाइटल है ना इसमें भी एटलीस्ट थ्री की वर्ड हम यूज करते हैं और थ्री अच्छे वाले कीवर्ड यूज होने चाहिए ठीक है मतलब वो वाले की जो ज्यादा लोग सर्च करे ना जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो वो वाले कम अज कम तीन कीवर्ड ना अपने अपने टाइटल में लिखने होते हैं ठीक है तो ये सिर्फ एक वर्ड का टाइटल नहीं लिखते कम से कम तीन चार वर्ड्स हो और उसके अंदर तीन आपके कीवर्ड्स होने चाहिए अच्छे वाले जिनकी सर्च वो जी ये मीटिंग नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हुई थी अब आप लोगों को आवाज आ रही है जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है अच्छा आप देखें जी मैं बता रही थी कि जो आपका टाइटल है ना उसके अंदर कितने कीवर्ड्स होने चाहिए जल्दी से बताइए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया चैट बॉक्स में टाइप कर दें जी थ्री होने चाहिए ठीक है कम से कम तीन कीवर्ड्स आपके टाइटल में इंक्लूड होने चाहिए ठीक है तो आपने टाइटल में सिंगल वर्ड लिखा हुआ है सिंगल वर्ड का टाइटल नहीं क्योंकि जो हमारा टाइटल है वो तो मेन चीज है ना लोग मेन टाइटल ही तो पढ़ते हैं हर चीज का तो टाइटल अच्छा होना चाहिए ऑप्टिमाइज्ड तब ही आपका इमेज होगा ठीक है तो तीन ऐसे कीवर्ड जो सबसे ज्यादा इस टाइम लोग सर्च आउट कर रहे हैं ना जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा वो आपने टाइटल में जरूर एड करने हैं ठीक है थीके? उसके बाद सब्जेक्ट में आपने ये लिखना होता है कि इमेज जो आपका इमेज है, है क्या क्या चीज चीज ये पोस्ट 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 है ये फीचर पोस्ट है 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 या 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 थंबनेल ब्लॉग वो लिखनी है ठीक है यहाँ पे भी हमने सब्जेक्ट में भी नेचर लिखा है इसको भी चेंज करें आपने टाइटल में भी एटलीस्ट थ्री की वर्ड एड करे जो ज्यादा इस टाइम सर्च आउट हो रहे हैं ठीक है थीके? उसके बाद हमने टैग्स में लिखा हुआ है ग्रास ओपर मेट्रो नेचर ठीक है ये टैग आपके ठीक है कमेंट्स में आपने नहीं लिखा कमेंट्स में ना आपने अपनी पिक्चर uh, के बारे में कोई भी कमेंट देना होता है कि वो कैसी पिक्चर है गुड लिख दें या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ भी इस तरह का ठीक है अच्छा कमेंट ही देना है बैड नहीं लिखना आपने क्योंकि आपकी अपनी पिक्चर है ठीक है अच्छा ऑथर्स में आपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिख दिया ठीक है ये भी ठीक है और कॉपी में ना रिजर्व लिखना है रिजर्व यानी कि ये इसके कॉपीराइट के राइट्स आपके पास रिजर्व हैं इसको कोई और यूज नहीं करेगा ठीक है इसके अलावा कोई क्वेश्चन है को इसके बारे में जो मैंने अभी ऑप्टिमाइजेशन आपको समझाई थी नो no, मैम चले अब मैं आगे चलती हूँ अब हम करेंगे अपना आज फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बल्कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जो बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन से ठीक है थीके? तो इस टाइम जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो फेसबुक है ठीक है तकरीबन थ्री पॉइंट सिक्स बिलियन जो है ना एक्टिव यूजर मंथली इसको यूज कर रहे हैं मतलब कि दुनिया की थर्टी सेवन परसेंट जो पॉपुलेशन है ना वो एटलीस्ट मंथ में वन टाइम तो जरूर फेसबुक को यूज करती है ठीक है तो आ, मतलब कि फेस अगर हमने कोई भी काम करना है अगर हमने कोई अः फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग करनी है अपनी प्रोडक्ट्स की तो उसके लिए फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे इतनी ज्यादा ऑडियंस इतनी ज्यादा अमाउंट में ऑडियंस है और फेसबुक पे हर तरह की ऑडियंस होती है जो एजुकेटेड पीपल हैं वो भी होते हैं अनएजुकेटेड होते हैं वो भी होते हैं तो हर, हर तरह की ऑडियंस जो है ना वो फेसबुक में मौजूद होती है तो आपने मार्केटिंग के लिए एक बहुत अच्छी प्लेस है आपके लिए कि आप वहां पे अपनी चीजों की मार्केटिंग करें ठीक है तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ना वो वाले प्लेटफॉर्म्स जहां पे ना शॉर्ट वीडियोस कंटेंट्स ज्यादा होते हैं अपलोड होते हैं वो वाले ज्यादा ग्रो भी कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी लंबी लंबी वीडियोस बैठ के देखें या इतने लंबे लंबे आपके आर्टिकल्स पढ़े तो जहा पे शॉर्ट वीडियो कंटेंट्स अपलोड किए जाते हैं ना वो वाले ज्यादा ग्रो भी हो रहे थे जैसे जैसे आपने देखे इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे ज्यादा वीडियोस आ रही होती हैं और शॉर्ट वीडियोस आती हैं तो उनको लोग ज्यादा यूज भी करते हैं प्रेफर भी कर रहे होते हैं ठीक है इसके अलावा देख देखे जो मैसेंजर एप्स है ना जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक मैसेंजर है या टेलीग्राम वगैरा ये भी आज कल जो है ना मतलब आ, कुछ सालों से ये भी आ, बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं क्योंकि आपने देखा कि जो लोग हैं वो ज्यादातर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं एक दूसरे को पहले हमने बात करनी होती तो ज्यादातर कॉल्स की जाती थी लेकिन व्हाट्सएप तो आ, पहले बहुत ईयरस पहले तो थे ही नहीं ना ऐसा ऐसा व्हाट्सएप आया और फिर अब तो हर कोई ही व्हाट्सएप ही यूज करता है एक दूसरे से जो है ना कनेक्शन बिल्ड करने के लिए तो मैसेंजर ऐप्स भी अब बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं तो हम व्हाट्सएप वगैरह को भी व्हाट्सएप बिजनेस को भी यूज कर सकते हैं अपने मार्केटिंग के लिए ठीक है अच्छा अब ये ना कुछ स्टेट हैं ये जो कुछ मतलब ये अब जो टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जो रिसर्च हुई है ना उसके मुताबिक ये स्टेट्स हैं कि फेसबुक नंबर वन सोशल मीडिया मार्केटिंग में सोशल मीडिया नेटवर्क है रैंकिंग के हिसाब से ठीक है उसकी रैंकिंग नंबर वन है क्योंकि और इसमें जो एक्टिव मंथली यूजर्स हैं वो थ्री पॉइंट जीरो सिक्स बिलियन है और उसके बाद सेकंड जो रैंक कर रहा है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब है इसमें टू पॉइंट सेवन जीरो मंथली यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं ठीक है उसके बाद थर्ड नंबर पे जो रैंकिंग आ रही है वो व्हाट्सएप की आ रही है वो तकरीबन टू बिलियन पीपल यूज कर रहे हैं इसके बाद इंस्टाग्राम की रैंकिंग है फोर नंबर पे ठीक है वो टू पॉइंट थ्री फाइव बिलियन लोग यूज कर रहे हैं इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है टिकटॉक जो वन पॉइंट सिक्स सेवन बिलियन लोग यूज कर रहे हैं तो ये आपको मैंने रैंकिंग दिखाने का पर्पस ये है कि इस टाइम जो टॉप रैंकिंग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना उनके ऊपर हमें मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि हमारी चीजें जाहिर है जिस चीज को ज्यादा लोग यूज करेंगे उसी चीज पे हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी ज्यादा व्यूज आएंगे ज्यादा सेल्स भी आएंगे ना बजाय इसके कि वो चीज़ के यूज ही कम लोग करें हम उसके ऊपर मार्केटिंग करें तो उस तो लोग ही कम देखेंगे ना हमारी चीज को तो चांसेस भी कम है हमारी सेल हमारी सेल्स के इंक्रीज होने का या हमारी सर्विसेज के बिकने का ठीक है तो इसलिए जो टॉप रैंकिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना उनको हमने चूज करना होता है हर एक टाइम मतलब जिस जब जो भी टाइम पीरियड है ना उस लिहाज से आहिस्ता सा जो है ना डिफरेंट सोशल मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते जा रहते हैं और जो न्यू प्लेटफॉर्म्स हैं वो पुराने वालों की जगह भी ले रहे होते हैं ना तो आपने उस टाइम पे देखना है कि इस टाइम कौन सा प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा जिसकी रैंकिंग अच्छी है जो ज्यादा लोग यूज करें ताकि आप वो उस प्लेटफॉर्म पे भी मार्केटिंग करें उसको इग्नोर ना करें ठीक है तो सासा जो है जिन आप पहले करें उन पे भी करते रहें और साथ न्यू वालों पे भी मार्केटिंग करें ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज आप हो आपको ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो ठीक है तो जो मार्केटिंग है ना ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आपने जस्ट ट्रक नहीं हो जाना एक जगह पे इस पे हमने न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सीखते रहना है न्यू जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी काम करते रहना सासा ठीक है अच्छा इसके बाद हमने ये देखना है कि जो फेसबुक का पेज है प्रोफाइल है ये शॉप है इसमें क्या डिफरेंस है ठीक है जो प्रोफाइल होती है ना वो मेनली यूज हो रही होती है Uh, हमारे पर्सनल यूज के लिए यानी हम उसके ऊपर अपनी जो पर्सनल पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं वो अपलोड कर रहे होते हैं आ, या फिर हम अपनी आ, जो आ, अपने इंटरेस्ट वगैरह बता आ, उसके ऊपर हमने आ, शो किए होते हैं लोगों को अपना जो होम टाउन है या करंट सिटी है वो हमने शो किया होता है ठीक है तो प्रोफाइल हमारे पर्सनल यूज के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन हम उसके ऊपर शो करते हैं अपनी उसके बाद पेज आ जाता है जो पेज होता है ना वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता है जैसे अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं ना तो हम उस चीज की सेल करने के लिए अलग से पेज बना लेंगे हम उस पेज के ऊपर वो स, उस आई, आ, मतलब जो चीजें हम सेल करें वो सारी आइटम्स उसके ऊपर हम उसकी पोस्टिंग करेंगे ठीक है इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी पेजेस यूज करते हैं जैसे कुछ स्कूल्स हैं Uh, या फिर यूनिवर्सिटीज़ है ना उन्होंने अपने फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं तो उनके जो न्यू uh, कोर्सेज़ आते हैं या न्यू uh, एडमिशन हो रहे होते हैं उनके बारे में वो डिफरेंट पोस्ट होती है ना वो अपलोड करती रहती हैं डिफरेंट जो न्यू इवेंट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स भी वो अपनी फेसबुक uh, पेज के ऊपर अपलोड करते हैं तो यानी जो फेसबुक पेज है वो बिजनेस परपजेस के लिए भी यूज हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी इसको यूज करी होती है इसके अलावा हमने देखा है कि जो जैसे पब्लिक फिगर्स आर्टिस्ट हैं ना इन्होंने अभी अपने फेसबुक पेजेस पेजेस अलग से बनाए होते हैं चैरिटीज जो है उन्होंने भी अपने फेसबुक पेजेस बनाए होते हैं तो इस तरह से जब जब आपका जो फेसबुक पेज आपने बनाया होता है तो उसको लोग लाइक और फॉलो जब कर लेते हैं ना तो आपके जो पेजेस जिनको भी किसी ने लाइक या फॉलो किया ना उन पेजेस की जो अपडेट्स हैं यानी जो जो उन्होंने पोस्ट किया है कुछ भी किया है ना पोस्ट है ना, उसके शुर ना शुर हो जाते है, इसके बाद आती है शॉप अब शॉप क्या होता है बेसिकली जो फेसबुक की शॉप है ना वो हमारी ई कॉमर्स e की वेबसाइट का ना अल्टरनेटिव है मतलब कि आपने वेब, वेबसाइट पे देखा होगा कि डिफरेंट जो आइटम्स है ना लोगों ने सेल करने के लिए उनको एक के बाद दूसरे आइटम दूसरे के बाद तीसरे आइटम इस तरह से ना सारी आइटम्स की लिस्ट बनाई होती है सारी आइटम्स एक लिस्ट में शो हो रही होती हैं ठीक है थीके?